हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने एक और वीडियो बनाया है मोटेरा स्टेडियम के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा पहले वाला जो वीडियो है मोटेरा का, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले लोगों को भी। उन्होंने भी कुछ एक वीडियो बनाया है हमारे वीडियो पर रिएक्शन देते हुए, तो हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, यानी हम हमारी रिएक्शन देंगे। और आज आप ये वीडियो देखो, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। तो ये रहा दोस्तों मोटेरा का वीडियो जो आप लोगों को देखना था। अब पहले की जैसे सामने की तरफ दिख नहीं रहा है, बिकॉज़ ये बीच में बन गया है। जब लास्ट टाइम मैं आया था तब बीच में ऐसा कुछ नहीं था, पर अभी बीच में बन गया है तो सामने की तरफ हमको दिख नहीं रहा है। पर ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, इसका मतलब अब हमको बीच का ग्राउंड का नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये बीच में जो है यहाँ पर सब ऐसा आ जाएगा, बीच में कि यहाँ पर सब इस तरीके से सब कुछ आ जाएगा अब। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कुछ नया नया बन रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल नया नया बन रहा है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, काफ़ी अच्छा काम हो गया एक महीने के अंदर। लास्ट टाइम जब मैं आया था ये बीच का भी थोड़ा काम यहाँ पे बाकी था, और एक्चुअली में जो पूरा सर्कल का काम है, जो पूरा सर्कल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सर्कल का काम यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। थोड़ा और करीब जाके दिखाते हैं, ये सब यहाँ पे जो है लोग काम करने के लिए आए हैं। कुछ खास लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो के अंदर। इस तरफ भी है जो काम चल रहा है, वो इस तरफ भी है, बहुत सारा काम चल रहा है। तो अभी मैं वहाँ पे एक इंजीनियर से बात कर रहा था, बड़े साहब थे उम्र लायक, तो मुझे लगा इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये तो 2019 पूरा निकल जाएगा इसको पूरा तैयार होने में, और मैच कब स्टार्ट होगा वो तो अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें कभी डेट फिक्स नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डेट बता रहा है कि भाई इतनी तारीख को हो जाएगा, इतने महीने में हो जाएगा, तो कुछ भी फिक्स नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। बाकी मैं आपको खुद बोलता हूँ कि इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है, 2019 के अंदर काम पूरा होने का है, और 2020 के 20 में ही यहाँ पे मैच शुरू होगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट जो सच है वो यही है भाई, झूठ हम क्यों बोले, समझ रहे हो। और बजट इसका है 700 से 750 करोड़ के आसपास का बजट है, जिसके बारे में मेरे पास थोड़ी और डिटेल आई है, तो हम आराम से कभी वीडियो बनाएंगे। अभी आप देख सकते हो इस तरफ का थोड़ा और काम साइड चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ और कहीं से एंगल से ले सकता हूँ क्या वीडियो, पर फिलहाल तो यही है आपके सामने जो है। ये भाई देखो कितना छोटा लग रहा है, यानी सोचो ये कितना बड़ा होगा यहां से यहां तक, है कि नहीं। देखते हैं कोई और एंगल से बनेगा वीडियो तो बनाएंगे, वरना ये तो है आपके पास लेटेस्ट वीडियो एंगल के साथ। अभी यहाँ पे ऊपर से सीट आएगी। अच्छा, वो जो इंजीनियर साहब थे बड़े उम्र लायक, उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया से सीटें आई हैं, और ऊपर छत जो आई है वो जर्मनी से आई है, यानी जहाँ पे लोग बैठते हैं यहाँ पे इसके ऊपर छत आएगी, ग्राउंड के ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ इसके ऊपर आएगी, समझ में आ रहा है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो भैया। तीसरा वीडियो है हमारा मोटेरा स्टेडियम के ऊपर, बाकी के दो वीडियो भी वो भी काफ़ी अच्छे चले हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं। तो कमेंट करो, बताओ आपको कैसे लगा वीडियो, और कुछ जानकारी आपको चाहिए, फिलहाल तो यही है अपने पास, और मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि और वीडियो हम बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, उतने ज़्यादा हम बनाएंगे। तो ये है अभी फर्स्ट क्लास एक मस्त वीडियो आप लोगों के लिए, देख रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। हाँ बिल्कुल सही, एक और वीडियो आ गया है मोटेरा स्टेडियम के ऊपर, वीडियो देखो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
ये हम हमारे छोटे वाले वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए, बिकॉज़ उसमें थोड़ी स्क्रीन के बाहर जा रहा था, शायद इसके अंदर थोड़ा और अच्छे से रिकॉर्ड होगा, मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। ये स्टेडियम है इतना बड़ा ना कि अंदर आ ही नहीं रहा था, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो इसलिए इस कैमरे का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ अभी कुछ काम चल नहीं रहा है लगता है, यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने कुछ सीटें वगैरह यहाँ पे सामने की तरफ जो है सीटें वगैरह सब बना दी है, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं चल रहा है अभी, अभी सब शांत है। सामने की तरफ या बीच में जो है वो ज़्यादा काम चल रहा है, अभी मैं आपको कोई और एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो, और एंगल दूसरी एंगल से बनाएंगे हम। चलिए आज के लिए अभी देखते हैं क्या होता है।